51 शक्ति पीठों में से एक माँ कामाख्या मंदिर, जो आसाम में गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को योनिपीठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि शिव का सती से मोह भंग कराने के लिए भगवान विष्णु ने सती के 51 टुकड़े किए थे, जिसका एक टुकड़ा योनि के रूप में नीलांचल पर्वत पर गिरा था। माता कामाख्या का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। माता की कृपा से लोगों का हर मनोकामना पूरी होती है। वास्तव में कामाख्या माता के मंदिर की भव्यता बहुत विशाल है। ये मंदिर नाव के आकार में बना है। मंदिर के गर्भगृह में 3 दरवाजे हैं, जो सोने के बने हैं। यहाँ के मुख्य मंदिर में कामेश्वरी और कामेश्वर को माथा टेकने के बाद 10 कदम की दूरी पर नीचे की ओर एक अंधेरी गुफा है, जहाँ एक चौकोर सी छोटी जगह कपड़े से ढकी है, जिसके चारों तरफ जल है। माँ की योनि के दर्शन कोई नहीं कर सकता, तो आशीर्वाद लेते हैं माँ का। जो 48 दिन में साधना होती है, यहाँ 4 दिन में हो जाती है। मंदिर का प्रशासन जूना और किन्नर अखाड़ा संभालता है। मंदिर में कुल 466 पंडित हैं, जिनमें से देवी की पूजा 25 पंडित करते हैं। यहाँ नागा साधु कपड़े पहनते हैं। उनका कहना है कि कामाख्या उनकी माँ है और माँ के सामने वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकते। साथ ही यहाँ मन्नत पूरी होने पर कबूतर उड़ाए जाते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शक्ति पीठ है जहाँ 10 महाविद्याएं एक साथ विराजमान हैं। मंदिर से 11 किलोमीटर दूर कामाख्या शक्ति पीठ की तलहटी के भूतनाथ शमशान पर तंत्र क्रियाएं की जाती हैं। भूतनाथ शमशान घाट जो है तंत्र साधना के लिए देश में सबसे बड़ा शमशान घाट और अहम शमशान घाट माना जाता है। चारों तरफ सुलगती चिताओं के बीच तांत्रिक समाधियों में बैठकर साधना करते हैं। रात से यहाँ पर चिताएं जल रही हैं और तंत्र साधक साधना कर रहे हैं। मैं इस समय लगातार 2 सेकंड तक भी अपनी आंखें जो कि खुली नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन तंत्र साधक यहाँ पर कल रात से बैठे हुए यंत्र जाप कर रहे हैं। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। इन्हें भगवान की नववधु के रूप में पूजा जाता है। यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। मनीषा भल्ला, गुवाहाटी, असम, दैनिक भास्कर।